शक नहीं है कि आज रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी का ये बाबरकत पहला जुमा हमारे सामने आ रहा है और रमज़ान का महीना ऐसे ही बड़ी फजीलतों का बरकतों का महीना होता है। इसमें इबादत का अजर बढ़ा दिया जाता है। अगर किसी ने नफल इबादत की तो फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ की तो उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर सवाब बढ़ा कर दिया जाता है। यह हकीकत में अल्लाह की तरफ से बंदों को बख्शवाने का एक सीज़न वाला मौका है। इसमें अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे गुनाहों से तौबा करके मुझे राज़ी कर लें ताकि मैं उनके लिए जन्नत का दाखिला मंजूर कर लूँ। और हर शाम को इफ्तारी के वक्त में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में अल्लाह ताला इस महीने में दोज़खियों को दोज़ख से छुटकारा देकर जन्नत का मुस्तहिक बनाते हैं। तो इस हवाले से रमज़ान का पहला बाबरकत ये जुमा हमें नसीब हुआ हमारी ज़िंदगी में एक बार, तो इसमें तो बहुत खुशी बनती है। और जिसकी ज़िंदगी में जितनी बार उसको रमज़ान मिले उतना ज़्यादा फजीलत वाला वो शख्स है। तो इस हवाले से पूरे आलम इस्लाम के लिए ये रमज़ान का दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको अमन का, सुकून का, खुशहाली का बाइस बनाए और सारे आलम इस्लाम को दरपेश तमाम मसाइल, ज़रूरी जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, वो तमाम परवरदिगार दूर फरमाए और हर एक को खुश रखे, इस मुल्क को भी खुश रखे, सारे आलम को खुश रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये बरकतों और रहमतों वाला महीना अता फ़रमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये एक तोहफ़ा अता फ़रमाया उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि इस महीने में चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, सभी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि रोज़ा रखें और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इबादत और रियाजत खसूसी अहतमाम करते हैं कि इसमें तरावी और रोज़े का खसूसी अहतमाम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए खैर और बरकत की दुआ करते हैं और अमन व भाईचारे की दुआ करते हैं।